जयपुर में रावत पब्लिक स्कूल का 14वां वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह विद्यालय के निर्मला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन बीएस रावत और निर्मला रावत की ओर से दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्राइमरी और मिडिल विंग के 800 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा मनोहर गणेश स्तुति में बाल गणेश की कहानी को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। स्टूडेंट्स ने बॉलीवुड के पुराने और नए गानों पर आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को आमंत्रित किया गया। विद्यार्थियों ने शिव तांडव हनुमान चालीसा की अद्भुत परिस्थितियों पर तालियां बटोरी। इस अवसर पर बोर्ड के टॉपर्स को रावत गौरव और रावत प्रतिभा अवार्ड और वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आज रावत पब्लिक स्कूल प्रताप नगर का 14th एनुअल डे कल आज और कल निर्मला ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आज के मुख्य अतिथि DGP उमेश मिश्रा जी हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे 800 से अधिक बच्चे एनुअल डे कल आज और कल में कभी इतिहास की झलक दिखा रहे हैं, कभी जीवन आज के जीवन को परिलक्षित कर रहे हैं तो कभी भविष्य की संभावनाओं को बता रहे हैं और ये हमारी काबिल टीम का ही प्रयास है जिन्होंने आज जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी समस्त कर्मठ टीम को, हमारे पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। साथ ही आज रावत निर्मला मैगजीन और रावत टाइम का इनोवेशन किया जा रहा है और साथ ही आज रावत प्रतिभा अवार्ड, रावत गौरव अवार्ड के साथ साथ उन पूर्व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है जो उन्होंने समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र पर अपना एक विशेष योगदान दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रावत एजुकेशनल ग्रुप की ओर से हमारी समस्त कर्मठ टीम को, साथ ही हमारे उन पेरेंट्स को जिन्होंने हमारे बच्चों को समय समय पर मोटिवेट किया, गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।